देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से शुरू करते हैं, फिर कंपाउंड से शुरू करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको दो फॉर्मूले करवाए। पहला फॉर्मूला व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला 1+D/F, और अगर इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी तो फॉर्मूले 1+ हट जाएगा, सिर्फ D/F। अगर नॉर्मल आई है जिसमें ऐनक नहीं लगी हुई, पास की नजर बिल्कुल सही है, तो डी बाय डिफॉल्ट 25 सेंटीमीटर है, और अगर डिफेक्टिव आई है तो वो क्वेश्चन में देगा कि उसका नियर पॉइंट 25 की जगह 50 है, जो भी है। ठीक हो गया तक? इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1। इन दो फॉर्मूलास के ऊपर बेस्ड है। तो क्या क्वेश्चन है? अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25। यानी कि नॉर्मल नियर पॉइंट का मतलब पास की नजर उसकी बिल्कुल सही है, और कैपिटल डी यहां पर क्या होगा? 25। और फोकल लेंथ पॉजिटिव है क्योंकि कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। क्या निकालना है? व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इस क्वेश्चन में यह तो पता लग गया कि इसमें दो लेंस है ही नहीं, इसमें एक ही लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब कंफ्यूजन यहां पर है कि इमेज कहां पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है या इन्फिनिटी पे बन रही है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना, तो आप उसको इन्फिनिटी में नहीं बनाएंगे, आप उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 1+D/F। तो आपको डी पता है 25, आपको एफ पता है आंसर। तो जैसे एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा था कि टी को -25 पुट करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऑलरेडी साइन कन्वेंशन पुट होके आ रखी हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही पुट करेंगे। डी को माइनस नहीं पुट करेंगे, डी को 25 पुट करेंगे, एफ को फोकल एंड पॉजिटिव है 5 पुट करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। ठीक है यहां तक? तो पहला फॉर्मूला क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पढ़े। सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? m इज इक्वल टू 5। सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल रिलैक्स्ड आई। देखो, ये एनसीईआरटी के अंदर साफ मेंशन लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे पड़ा होता है तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, थोड़ा सा पड़ते हुए स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत दूर की चीज को देख रहे हैं तो आपके मसल्स स्ट्रेन फील नहीं करते, तो रिलैक्स्ड आई बोलते हैं उसे। तो रिलैक्स्ड आई का मतलब बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है मैंने इसमें नोट, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब रिलैक्स्ड आई, याद रहेगा। तो रिलैक्स्ड आई जब भी आ जाए इसका मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। देखो ना, ये ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं, आप पेपर में अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ आप कर नहीं पाएंगे। आपको क्या पता रिलैक्स्ड आई क्या होती है? तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप है लेकिन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी वाला केस है। तो इसके अंदर मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है? 5 है नॉर्मल रिलैक्स्ड आई के लिए। नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल का मतलब उसकी डिफेक्टिव आई नहीं है। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी उस ग्लास के लिए जो कि रिलैक्स्ड आई है लेकिन डिफेक्टिव आई है, फार साइटेड आई है, जिसका नियर पॉइंट कितना है? 40 है, 25 की जगह 40 है। तो दो केस बनेंगे, दोनों में इंफिनिटी का केस है। पहले केस में नॉर्मल आई में डी कितना है? 25 है, और मैग्नीफाइंग पावर 5 है। तो आप इन्फिनिटी वाला केस लगाएं,
एम इज इक्वल टू डी बाई एफ यूज करके क्या निकालने, फोकल लेंथ निकालने, तो लेंस की फोकल लेंथ कितनी आएगी 5। फिर दूसरे केस में फिर लगाएं, फोकल लेंथ 5 यूज करके डी कितना लेना है 40, तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर निकाल लें, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे दो केस बनेंगे? और रिलैक्स आई का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक, ऑनलाइन क्लियर है सर? बोलो सर, हमने इसमें 1 + d / f क्यों नहीं यूज किया? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्मूला ध्यान से नहीं देखा आपने? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है 6.25 इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है। आगे, इफ नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि वो डिफेक्टिव आई है ही नहीं, इसका मतलब वो इमेज कहां पर बनाता है 25 पे बनाता है, तो V या D कितने हैं 25 है। क्या निकालना है आपको बताना है? कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, U निकालना है। आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा, U निकालना है। अब देखो ना, आपको इसमें यह पता है कि कोई भी लेंस जो है वो इसमें क्या कर रहा है, कौन सी इमेज बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कंपाउंड में वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल में V क्या होता है नेगेटिव। मतलब मैं इसमें मैग्नीफाइंग पावर का कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर मेरे को गिवन ही नहीं है। मैं तो लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को इसमें वी पता है, मेरे को इसमें एफ पता है, मेरे को इसमें यू निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला सिंपल यूज करो, इस फॉर्मूले में यू निकालना है, वी वर्चुअल में -25 है और फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव है, सॉल्व करके यू आ गया, बात खत्म। तो यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, सिंपल लेंस फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसी का अगला पार्ट है, फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन एक ही बात है। तो m निकालना है, m अगर निकालना है तो इसमें इन्फिनिटी का केस ही नहीं है, क्योंकि इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन का केस है, तो इन्फिनिटी वाला केस नहीं लगेगा, तो 1 + d / f। पर जब आप ये फॉर्मूला पुट करते हो तो d में -9 नहीं पुट करते, 25 ही पुट करते हो, बताया था ऑलरेडी -9 पुट करके आया है, तो यहां से आंसर आएगा 5 मैग्नीफिकेशन। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या निकालना है? फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। कुछ भी नहीं करना, 1 + हटा दो, तो अगर 1 + हटाएंगे 5 की जगह आंसर क्या आएगा 4, 1 हट गया तो 4 ही बचेगा, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई दोनों केसेस में। ठीक है यहां तक? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन को करना है। एक और क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप चेक करो।
देखो क्वेश्चन है, अ मैन विद नॉर्मल आई, इस मैन की नॉर्मल आई है, ऐनक नहीं लगी हुई इसकी, राइट? नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, रीड्स अ बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास से वो रीड कर रहा है, और थिन कन्वेक्स लेंस है उसके पास फोकल लेंथ 5 का. आपको बताना है व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास. तो कम से कम डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है. तो कम से कम अगर डिस्टेंस निकालना है तो किताब तो रखेगा कहां पर, 25 पे, या ऐसा बोलेंगे सॉरी, किताब तो कहां रखनी है ये मुझे निकालना है, और इमेज कहां बनेगी, 25 पे, क्योंकि वो उसका नियर पॉइंट कहां पर है, 25, उसकी आंख 25 पे देखना पसंद करती है. तो लेंस इमेज कहां बनाएगा, 25 पे. ऑब्जेक्ट देखते हैं कहां रखने, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस का फॉर्मूला लगाएं, आंसर ये तो नियरेस्ट पॉइंट आ गया. अगर फारदेस्ट पॉइंट निकालना है तो इमेज कहां पर बननी चाहिए, एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट आपको निकालना है और फोकल लेंथ यहां पर 5, तो फारदेस्ट पॉइंट में आपको इमेज दूर से दूर बनानी है. दूर से दूर में क्या बना सकते हैं, इन्फिनिटी. तो यहां पर जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो यू कितना आएगा, -5 आंसर. तो ये नियरेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट में ये ट्रिक लगेगा. ठीक है यहां तक?